एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते जब वे सभी थक गए तो आराम करने के लिए वे सभी एक गांव में रुके और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनके शिष्यों में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा, जब विचार परेशान कर रहे हो तब हम अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं? गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओगे? पहले मेरे लिए पीने योग्य पानी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वो शिष्य वहाँ से उठा और गौतम बुद्ध के लिए नदी से पानी लेने के लिए चल पड़ा। जब वह नदी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, इसलिए वो साफ पानी लेने के लिए थोड़ा दूर चला गया। लेकिन वहाँ उसने देखा कि कई सारी बैलगाड़ियाँ नदी पार कर रही है, जिससे सारा का सारा पानी मटमैला हो गया है। शिष्य ने बार बार पानी भरने की कोशिश की, लेकिन हर बार घड़े में वही गंदा पानी आ जाता था। आखिरकार शिष्य को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। शिष्य ने वापस लौटकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। आधे घंटे बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को फिर से जाने को कहा। इस बार जब वह शिष्य नदी के पास पहुंचा तो आसानी से साफ पानी मिल गया। शिष्य ने घड़े में पानी भरा और वापस लौट आया। उसने गौतम बुद्ध को पानी दिया और उनसे पूछा कि जब मैं पिछली बार पानी लेने के लिए गया था तो सभी जगह पानी गंदा था, पर इस बार नदी का पानी अपने आप साफ कैसे हो गया? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जब आप पिछली बार पानी लेने के लिए गए थे तब हलचल के कारण कीचड़ पानी में मिला हुआ था, लेकिन जब कुछ इंतजार करने के बाद तुम दोबारा गए तो कीचड़ अपने आप तली में बैठ गया था और पानी एकदम साफ हो गया था। हमारा मन भी नदी के पानी की तरह होता है। जब वह उत्तेजित होता है तो हलचल के कारण कुछ भी समझ नहीं आता और कीचड़ की तरह पुरानी बातें मन में घूमने लगती है। इन्हें जबरदस्ती कंट्रोल करने के बजाय शांत होकर इंतजार करना चाहिए। जैसे पानी के शांत होने से मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसी तरह एकाग्रचित होकर शांत बैठने से हमारा मन भी अपने आप शांत हो जाता है और साफ पानी की तरह हमारे विचारों में भी स्पष्टता आने लगती है।